नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना के दूसरे चरण की शुरुआत जरूर हो चुकी है, लेकिन इसे लेकर कई सारी बातें भी निकलकर सामने आई। कई लोग ऐसे हैं जो बिहार में जाति आधारित इस गणना को समर्थन दे रहे हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो इसे गलत बता रहे हैं। और यही कारण है कि जाति आधारित गणना पर रोक लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई थी उस पर सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि हाईकोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया है। और क्या कुछ कहा है, अगली सुनवाई कब है इस मामले पर, वो सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 7 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए लगभग आधे दर्जन याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। इससे पहले आवेदक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह सहित हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय सिंह, दीनू कुमार, रितिका रानी, धनंजय कुमार तिवारी, एमपी दीक्षित सहित कई वकीलों ने अपनी अपनी याचिका पर पक्ष रखना चाहा, लेकिन कोर्ट ने सभी मामलों पर 4 मई को सुनवाई करने का आदेश दे दिया। कई वकीलों ने जाति आधारित गणना पर रोक लगाने का अनुरोध कोर्ट से किया। कोर्ट से कहा कि इस केस में किसी तरह का अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि दायर अर्जी में आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया गया है, जो कि निराधार है। एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि सरकार नागरिकों की गोपनीयता के अधिकार में दखल दे रही है। कोई नागरिक अपनी जाति का खुलासा नहीं करना चाहता है तो कोई उससे अपनी जाति की जानकारी नहीं देना चाहता है। तमाम तरह की निजी समस्याएं होती हैं लोगों को, और इन निजी समस्याओं के बारे में कोर्ट में डिस्कशन हुआ, कोर्ट में इस पर चर्चा हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने जाति आधारित जो गणना है वो दूसरा चरण आपको पता है चल रहा है, लेकिन इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई जो है उसके लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। ये भी कहा गया कि अगर कोई अपनी जाति नहीं बताता है तो जनगणना के काम में लगे कर्मी आसपास के लोगों से जानकारी लेकर उसकी जाति का जिक्र कर देंगे। यही नहीं, धर्म और समुदायों का जिक्र करने का भी प्रावधान नहीं है। तो ये तमाम दलीलें जो है हाईकोर्ट में दी गई। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए ये भी कहा गया कि राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। दरअसल राज्य सरकार ने जातीय गणना के दूसरे चरण के लिए 1 मार्च को अधिसूचना जारी की। इसके तहत जातीय गणना के दूसरे चरण का काम 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है, जो कि 15 मई को पूरा होगा। और इस बीच जो है इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है, जहां बीजेपी इसके खिलाफ में शुरुआत से ही रही है। जाति आधारित गणना को लेकर आपको याद होगा कि जब एक प्रतिनिधिमंडल यहां से दिल्ली गया था और दिल्ली जाकर उन्होंने मुलाकात की थी, और मुलाकात के बाद भी जब केंद्र सरकार ने मनाही कर दी थी तो अपने खर्चे पर राज्य सरकार ने इसे कराने का निर्णय लिया, और अब वो काम चल रहा है। पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण चल रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट में भी इस पर सुनवाई हुई। तमाम याचिकाएं ऐसी डाली गई थी कि इसे रोका जाए, इस पर रोक लगाई जाए। लोगों के निजी सूचनाएं हासिल करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, गोपनीयता का अधिकार है लोगों के पास, और ऐसे में तमाम तरह की याचिकाएं, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल तो इनकार कर दिया है, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। और यह जो तारीख है वो 4 मई को कहा जा रहा है कि इस पर फिर से सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि 4 मई को जब सुनवाई हाईकोर्ट में होती है जाति आधारित गणना को लेकर, तो इस पर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।